फिरोजाबाद कांवड़ यात्रियों पर जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, एसएसपी आशीष कुमार तिवारी ने की पुष्प वर्षा। बाइक सवार कांवड़ यात्रियों को वितरण किए गए हेलमेट और फल वितरण। सड़क सुरक्षा में पुलिस व्यवस्था, सुरक्षित जीवन के संदेश, बाइक सवारों को पहनाए हेलमेट। शिकोहाबाद एटा चौराहे पर कांवड़ यात्रियों का किया गया सम्मान। भारी संख्या में निकल रही है कांवड़ यात्रियों की भीड़। श्रावण मास के सोमवार के उपलक्ष्य में कांवड़िए बटेश्वर धाम में जा रहे हैं जल अर्पण करने के लिए। मेरे और कप्तान साहब के द्वारा यहाँ पे शिकोहाबाद में भ्रमण किया गया है। सभी को सड़क सुरक्षा के बारे में सतर्क भी किया जा रहा है, उन पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है और उनको हेलमेट भी वितरित किया जा रहा है। उनके सफल आयोजन की कामना भी की जा रही है। उनसे बताया जा रहा है कि आराम से जाएं, अच्छे से जाएं, कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो इसकी पूरी आप लोग सतर्कता रखें और अपना दर्शन करके वापस घर जाएं। किस तरह के इंतजाम किए गए और क्या खास तैयारी की जा रही है? देखिए, सावन मास हमारा शुरू हो गया है, आज दूसरा सोमवार है और हमको भारी संख्या में यहाँ पे जो कांवड़ है, डाक कांवड़ है, वो देखने को मिल रही है। पुलिस की व्यवस्था में हमने यहाँ पे 9 अस्थायी चौकियाँ पूरी रूप पे बनाई हैं। इसके अलावा जो डीएम साहब के सहयोग से जो भी बिजली के पोल हैं उनकी पायरिंग, उसके अलावा जो हमारे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह जो भी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग 450 पुलिसकर्मी 9 जोन और 5 सेक्टर और 15 सेक्टरों के अंदर में लगातार काम कर रहे हैं। 24 घंटे ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। मैं और डीएम साहब भी रात में और दिन में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। आज यहाँ पर क्योंकि सोमवार है तो यहाँ पर हम स्वागत, सुरक्षा और संवाद, ये 3 स्तंभों पर चल रहे हैं। इसमें जो कांवड़िए हैं उनका स्वागत भी हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा के रूप में उनको हेलमेट जो है बांटे जा रहे हैं कि हेलमेट पहन के चले जिससे कहीं किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, और उनसे संवाद भी स्थापित किया जा रहा है जिससे कि किसी प्रकार की कोई अराजकता वो ना करें और इसमें जो रास्ता है उस रास्ते में किसी प्रकार का किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना हो और एक्सीडेंट ना हो, उसका भी संवाद किया जा रहा है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।